हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेड बूस्टर में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जब हम पेड़ लगाते हैं तो उनसे हमें खाने की चीज़ें जैसे अनाज और फल मिलते हैं, जिसे हम खाते हैं और जो बच जाता है उसको फिर से बो देते हैं, जिससे हमें और अनाज मिलता है। तो दोस्तों, कैसा होता अगर पैसों के साथ भी हम ऐसा ही कर सकते? तो दोस्तों, आपको ये जानकर खुशी होगी कि हम ऐसा कर सकते हैं। जो पैसा हम कमाते हैं उसमें से अपना खर्चा निकालकर जो पैसा बचता है उसको इन्वेस्ट किया जा सकता है। अमीर बनने के दो तरीके हैं, एक्टिव इनकम से और पैसिव इनकम से। एक्टिव इनकम जैसे कोई नौकरी करके या कोई ऐसा काम करके जिसमें हम टाइम के बदले में पैसा कमाते हैं, लेकिन हमारे पास केवल 24 ही घंटे होते हैं जिसमें हम 8 से 10 घंटे मैक्सिमम काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक्टिव इनकम से अमीर बनने के लिए आपके पास हाई इनकम स्किल होनी चाहिए, जिसके ज़रिए आप अपने टाइम के बदले ज़्यादा पैसे कमा सकें या फिर कम काम करने के बदले ज़्यादा पैसे मिल सकें। अब बात करते हैं दूसरी इनकम की, पैसिव इनकम, जिसको हम लेवरेज इनकम भी कहते हैं। पैसिव इनकम वो इनकम होती है जिसमें आप कम काम करके भी पैसा कमाते हैं या बिना काम किए भी आप पैसा कमाते हैं, जैसे बिजनेस या इन्वेस्टमेंट। और आज इस वीडियो में हम इन्वेस्टमेंट की ही बात करेंगे, और इन्वेस्टिंग में भी हम पैसिव इन्वेस्टिंग की बात करेंगे, क्योंकि हर कोई फुल टाइम इन्वेस्टिंग को नहीं दे सकता। हमको कोई ऐसा मेथड चाहिए अगर हम ऑफिस भी जाएं तो भी हम आसानी से इन्वेस्टिंग कर सकें। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके अमीर बन सकते हैं। अगर हाँ, तो हमको कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? एंड चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। उससे पहले, अगर आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट या ट्रेड करना चाहते हैं और अगर अभी तक आपके पास में डीमैट अकाउंट नहीं है, तो देश के बड़े और भरोसेमंद ब्रोकर्स अपस्टॉक्स और पेटीएम मनी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। दोस्तों, हर कोई अमीर बनना चाहता है, चाहे वो कोई आम आदमी हो या कोई अमीर आदमी। लेकिन दोस्तों, अमीर बनने का प्रोसेस दोनों के लिए सेम नहीं होता। दुनिया के जितने भी अमीर इंसान हैं, जैसे वॉरेन बफे, एलन मस्क या जेफ बेजोस, ये सब अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ढूंढते रहते हैं, लेकिन इनके पास रिसर्चर्स की टीम होती है जो उन्हें इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट एडवाइस देते हैं। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर के पास ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो फिर एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होता है म्यूचुअल फंड का। तो चलिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि म्यूचुअल फंड काम कैसे करते हैं। मान लेते हैं कि चार लोग हैं, ए, बी, सी और डी। इन चारों ने अलग अलग अमाउंट सेव किया है। ए ने 5,000 किया है, बी ने 10,000, सी ने 15,000 और डी ने 20,000। ये चारों लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन इनके पास में कोई नॉलेज नहीं है कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए कंपनी को कैसे एनालाइज करते हैं। और ये सब जॉब भी करते हैं तो इनके पास टाइम भी नहीं है। तो ये चारों अपने पैसे को एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी को दे देते हैं, जिनके पास रिसर्चर्स की टीम है और वो अलग अलग एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करके उनको रिटर्न बना कर देती है। इसी को हम म्यूचुअल फंड कहते हैं, और म्यूचुअल फंड के सभी इन्वेस्टर्स को यूनिट होल्डर कहते हैं। म्यूचुअल फंड में आप SIP और लमसम दोनों ही तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। SIP यानी के सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में आप एक छोटा छोटा अमाउंट हर मंथ इन्वेस्ट करते हैं, और लमसम इन्वेस्टमेंट में आप एक पर्टिकुलर अमाउंट एक ही टाइम पर इन्वेस्ट कर देते हैं। इनमें आप अपनी सुविधा के अनुसार इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अब सवाल आता है कि कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें। सो दोस्तों, ये डिपेंड करता है कि आपके गोल्स क्या हैं, आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी कितनी है और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। म्यूचुअल फंड 5 तरह के होते हैं। पहला एसेट क्लास, दूसरा स्ट्रक्चर, तीसरा इन्वेस्टमेंट गोल, चौथा स्पेशलाइज, पांचवा रिस्क फैक्टर। हर टाइप के म्यूचुअल फंड्स का अपना अपना अलग गोल है। और जनरल पब्लिक के लिए हम एसेट क्लास के बारे में समझते हैं। दोस्तों, एसेट क्लास में 3 तरह के म्यूचुअल फंड आते हैं। इक्विटी, जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है, डेट, जो मनी मार्केट और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है, और हाइब्रिड, जो दोनों में इन्वेस्ट करता है। अगर आपका शॉर्ट टर्म गोल है, जैसे आपको अगले साल किसी वैकेशन पर जाना हो या कोई सामान खरीदना हो, तो आप डेट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। डेट फंड में स्टेबिलिटी होती है। और अगर आपका गोल मिड टर्म के लिए है, जैसे 3 से 5 सालों के लिए, जैसे 3-4 साल में आपको शादी करनी है या घर लेना है, तब आप हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के साथ में जा सकते हैं।
हाइब्रिड म्यूचुअल फंड बनता है इक्विटी प्लस डेट से। इक्विटी आपको ग्रोथ देती है और डेट आपको स्टेबिलिटी देता है, तो इस फंड में आपको स्टेबिलिटी और ग्रोथ दोनों ही मिलती हैं। लेकिन कुछ गोल ऐसे होते हैं जो 5 साल के ऊपर के होते हैं, जिनको लॉन्ग टर्म गोल्स कहा जाता है, जैसे कि रिटायरमेंट प्लान। तो लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इक्विटी म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और शेयर मार्केट लॉन्ग टर्म में बाकी के एसेट क्लास के कंपैरिजन में सबसे अच्छा परफॉर्म करता है। और नॉर्मली हम सब जानते हैं कि वॉरेन बफे को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की वजह से ही इतनी सक्सेस मिली है। तो आइए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। दो दोस्त हैं, एक का नाम राज है और दूसरे का सुमित। दोनों ही इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। राज को इन्वेस्टमेंट के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, इसलिए वो अपने पैसे को एक फिक्स रिटर्न वाली स्कीम में इन्वेस्ट कर देता है, जैसे FD, जहां स्टॉक मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए उसके रिटर्न पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला। दूसरा है सुमित, जिसको स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है और वो कंपाउंडिंग के प्रिंसिपल को जानता है, तो वो किसी ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देता है जो इंडेक्स फंड जैसे Nifty 50 या Sensex 30 में इन्वेस्ट करता है। दोनों हर महीने 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, जो कि साल का हो जाएगा 1.2 लाख। तो 10 साल बाद राज का इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 12 लाख, जो कि रिटर्न जोड़ने के बाद में हो जाएगा 17 लाख, और सुमित का रिटर्न होगा 27 लाख रुपये। तो पॉइंट ये है कि फिक्स रिटर्न में आपको सेफ्टी तो है कि मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, अगर आपने 7% की स्कीम में इन्वेस्ट किया है तो आपको 7% मिलता रहेगा। लेकिन अगर आपको ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो आपको फिक्स रिटर्न के पीछे नहीं भागना चाहिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर ये इतना आसान है तो सब लोग ये ही क्यों नहीं करते। तो दोस्तों, इसके 3 कारण हैं। पहला, लोगों को लगता है कि म्यूचुअल फंड सेफ नहीं है, अगर कंपनी भाग गई तो उनका पैसा डूब जाएगा। एंड सच तो ये है कि म्यूचुअल फंड्स को सेबी रेगुलेट करता है, ये वही बोर्ड है जो NSE और BSE को रेगुलेट करता है, और सेबी पूरा ध्यान रखता है कि इन्वेस्टर्स का पैसा सेफ रहे। दूसरा कारण है फिक्स रिटर्न। एक बात तो सच है कि म्यूचुअल फंड में फिक्स रिटर्न नहीं मिलते, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं तो आपको FD से कई गुना ज़्यादा रिटर्न मिलेंगे। निफ्टी 50 ने आज तक एवरेज 12% का रिटर्न दिया है, तो ये तो सच है कि लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न तो मिलेगा ही। तीसरा कारण है रिस्की। लोगों को लगता है कि म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है और स्टॉक मार्केट रिस्की है, तो इसका मतलब म्यूचुअल फंड भी रिस्की है, अगर कल मार्केट क्रैश हो गया तो हमारा पैसा डूब जाएगा। और अब हम बात करेंगे ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जिसको आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए चुन सकते हैं, जिसको कहते हैं इंडेक्स म्यूचुअल फंड। दोस्तों, कुछ म्यूचुअल फंड्स ऐसे होते हैं जो निफ्टी 50 या सेंसेक्स 30 के इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं, और अगर आप ऐसे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका पैसा तभी डूबेगा अगर पूरा ही देश डूबेगा, क्योंकि इंडेक्स को हमेशा मैनेज किया जाता है, और अगर कोई कंपनी डूबती है तो उसको साइड कर दिया जाता है, उसकी जगह किसी अच्छी परफॉर्मेंस वाली कंपनी को ऐड कर लिया जाता है। तो म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने के लिए बेस्ट ऑप्शन होता है इंडेक्स म्यूचुअल फंड। दोस्तों, अब एक मेन सवाल ये हो सकता है कि क्या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके अमीर बना जा सकता है? इसका आंसर है यस। अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ में लॉन्ग टर्म के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके भी अमीर बन सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। और अगर आप किसी हाई ग्रोथ म्यूचुअल फंड को चुनना चाहते हैं तो top 3 म्यूचुअल फंड्स के वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। कीप रीडिंग, कीप ट्रेडिंग, कीप इन्वेस्टिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।